राहुल गांधी राहुल गांधी संघर्ष करो, हाथ उठाकर भाई राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खाना छोटा राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, धन्यवाद साथियों। मत पार्टी राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, धन्यवाद साथियों। मत क्योंकि इसमें बदले की भूख नज़र आ रही है। समझ सकते हैं हम सारे कि बदले की राजनीति के तहत किया जा रहा है, और एक मजबूत आवाज़ जो इतने सालों से सरकार के खिलाफ उभर के आ रही है उसको शांत करने की, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अगर आप अपने मीडिया साथी जो इंटरनेशनल है उनमें भी देखें, उसमें भी ये कहा है एक आवाज़ जो सरकार के खिलाफ थी उसको शांत किया गया। परंतु ये नहीं पता कांग्रेस पार्टी क्यों कहते हैं कि मजबूत है। हाथ पंजा जब तक दो हाथ किसके पास हैं, और हर घर घर में एक कांग्रेसी है। कांग्रेसी को पूछने के लिए सिर्फ मोहल्ले में जाके पूछा था कांग्रेसी परिवार कौन है, वो आज भी वही यथास्थिति है। हम अपने नेता के समर्थन में यहाँ धरने पे बैठे, और आगे जो भी हाईकमान की प्रदेश हाईकमान की हमारे प्रधान उदयभान जी और हुड्डा साहब का निर्देश दिशा निर्देश है उसका पूरी पालना की जाएगी, और हम इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। और आज मैं जितनों से भी बात कर रहा हूँ सारे ये कह रहे हैं कि सदस्यता खत्म करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, इससे अच्छा तो पार्लियामेंट खाली करा दो कि सिर्फ इसमें भाजपा और भाजपा वाले जी। राजकुमार त्यागी जी, पूर्व जिला हम ज़्यादा मजबूत हुए, हमें ज़्यादा साहस मिल रहा है। मजे की बात यह है कि मुद्दे को ट्विस्ट देने के लिए जिस मुद्दे के ऊपर बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही। बात कहाँ से शुरू हुई कि अडानी से, वो मुद्दा तो गौण हो गया और ये मुद्दा पकड़ लिया। ओबीसी की बात भी आई, ओबीसी का मुद्दा पकड़ लिया। पहले हिंदू मुसलमान का मुद्दा था, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, अब जो है ये दूसरा। अरे यहाँ सभी जातियाँ सभी धर्म बराबर हैं, इस तरीके की घृणा मत पैदा करो। लेकिन ये लोग कर रहे हैं, इनको जो है इसी में मजा आ रहा है, देश को देश किधर जा रहा है इनको कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल। इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, हुक और क्रूक जैसे मर्जी हो, नैतिक अनैतिक किस तरीके से सरकारें गिर रही हैं। आप कर रहे हैं भ्रष्टाचार, कहाँ से पैसा आ रहा है इतना, जो है लोग जो है सरकारें चुनी सरकारें गिर रहे हैं। तो इसलिए जो है आज तो भय का ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं कि ये देश जो है किधर जा रहा है। तो जी वहाँ विदेश में जाके बोल दिया, देश में तुम बोल नहीं देते और तुम क्या क्या बोलते हो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। धन्यवाद राजकुमार जी। पूर्व मंत्री सुभाष, न्यायालय का मामला था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नेताओं का कहना था कि न्यायपालिका के खिलाफ आप सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश में से डेमोक्रेसी का अंत होने जा रहा है। जिस तरह के एक्शन कोर्ट्स भी लेने लगे हैं, जुडिशरी के ऊपर भी प्रभाव पड़ने लगा है, राजनीति का सरकार का, सरकार देश हित में नहीं है। समाज के हर वर्ग दुखी है, और ये जो राजनीति करते हैं सिर्फ अपना राज रखने के लिए करते हैं, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे हिंदू मुसलमान करना पड़े, चाहे किसी को जेल भेजना पड़े, किसी के ऊपर ईडी के छापे लगने पड़े, यानी जो भी आदमी विपक्ष में बोलता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाती है। लगता है कि देश के अंदर से राजनीति ये
अपना डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है, ऐसा लगता है इनके। राहुल जी कांग्रेस के राज में शाहबानों के इसमें सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को सरकार पलट देती है, और अब आप कह रहे हैं कि ये न्यायपाल का उसकी क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। कोर्ट ने आदेश किया जी, अपना फैसला दे दिया, स्पीकर साहब ने क्या किया, उनको एक महीने का बेल का टाइम मिला हुआ था, अगले दिन ही उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कौन सी, जल्दबाजी की गई, जल्द बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं देश में, वो हो रहा है। कांग्रेस संघर्ष करेगी, राहुल जी डरने वाले किसी से नहीं है, कांग्रेस डरने वाली किसी से। राहुल गांधी, राहुल गांधी संघर्ष करो, हाथ उठाकर भाई, राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।